नमस्कार दोस्तों। दोस्तों दशहरा आने वाला है और दशहरा के बारे में एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ दशहरे को विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है? आज मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों पूरे भारत में 6 जगह विशेष दशहरा उत्सव मनाया जाता है। अश्विन माह की दशमी को राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है, क्योंकि रावण की 10 शीर्ष थे। इसी दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। भारतवर्ष के हर गांव और हर शहर में दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन भारत में 6 स्थानों पर रावण दहन और दशहरा उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। ये आपके लिए नई जानकारी हो सकती है। नंबर 1, बस्तर। बस्तर के दंडकारण्य में भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास के दौरान रुके थे। बस्तर में ही जगदलपुर एक जगह है जहां पर मां दंतेश्वरी का मंदिर है, और यहां पर हजारों की तादाद में आसपास के गांव के लोग और आदिवासी लोग दशहरा मनाने पहुंचते हैं, और एक विशेष आयोजन यहां पर किया जाता है जो पूरे भारत वर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 2, मैसूर। मैसूर का दशहरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक का प्रादेशिक त्योहार भी माना जाता है। मैसूर में दशहरा लंबे समय तक मनाया जाता है, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग यहां पहुंचते हैं। नंबर 3, कुल्लू। कुल्लू के ढालपुर मैदान में दशहरा मनाया जाता है, जो वर्ल्ड फेमस दशहरा है, और मुझे उस दशहरे में लक्ष्मण का रोल अदा करने का मौका मिला है। मैंने भी कुल्लू में लक्ष्मण का रोल अदा किया था। ये बहुत पुरानी बात हो गई है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में आता है और इसे अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल घोषित किया गया है। जी हाँ, वहां का दशहरा अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल माना जाता है, जो पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है, और बड़ी भारी संख्या में हिंदुस्तान और विदेशी पर्यटक दशहरा देखने पहुंचते हैं। नंबर 4, मदिकेरी दशहरा। मदिकेरी दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है, और कर्नाटक में 10 दिन तक ये उत्सव चलता है। ये कर्नाटक का सबसे फेमस दशहरा फेस्टिवल में से एक है, और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। नंबर 5, कोटा दशहरा। राजस्थान के कोटा में दशहरा बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। राजस्थान की संस्कृति और उस क्षेत्र की सारी मान्यताएं इस त्योहार में खुल मिल जाती हैं, जिससे ये दशहरा बहुत प्रसिद्ध हो गया है और लोगों को बहुत पसंद आता है, और हिंदुस्तान से ज्यादातर लोग कोटा पहुंचते हैं और दशहरे का आनंद लेते हैं। और अंतिम है मैंगलोर का दशहरा। मैंगलोर में जो दशहरा मनाया जाता है वो देश भर के विदेशों में भी प्रसिद्ध है, और ये श्रद्धालुओं के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। इस दशहरे की खास बात यह है कि यहाँ पर टाइगर डांस बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, और लोग दूर दूर से टाइगर डांस देखने के लिए वहां पहुंचते हैं। दोस्तों मिलजुल कर ये त्योहार मनाइए, यही भारत की सभ्यता है, यही भारत की संस्कृति है, और हमें अपनी संस्कृति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए त्योहारों को भाईचारे से मनाए, यही मैं संदेश आपको देना चाहता हूँ। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।